नितीनजी यांना या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये मातीमध्ये ज्याने जन्म दिला त्या त्यांच्या मातोश्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत या सगळ्यांचे या ठिकाणी मनोपूर्वक खऱ्या अर्थाने स्वागत करतो। आजचा हा महाउत्सव सोहळा या ठिकाणी आम्ही एनडी स्टुडिओमध्ये आल्यानंतर त्या गेटपासूनच ती संस्कृती ती कला पाहायला सुरुवात केली आणि खऱ्या अर्थाने माझ्या या मतदारसंघामध्ये एवढा मोठा भव्य दिव्य असा कार्यक्रमाचं आयोजन नितीनजी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी होत आहे। थँक्यू। मला काही भाषण देता येत नाही पण नितीनजी मी खूप खूप मला अभिमान वाटतो की एवढ्या सगळ्या मोठ्या लोकांच्या मध्ये आणि एवढ्या सगळ्या महान कलाकारांमध्ये मला जो सन्मान मिळाला त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे। बस मी एवढंच बोलेन। थँक्यू। उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार आणि माझ्या पद्धतीने तुम्हा सगळ्यांना राम राम पावन। नाही आवाज नाही आहे। मी अगदीच थोडक्यात बोलते कारण मला सुद्धा भाषण देता येत नाहीत आणि आय एम व्हेरी बॅड ॲट इट। मी एवढंच बोलू इच्छिते की जसं अमोल सर मगाशी बोलले की माऊलीचा आशीर्वाद घेऊन जेव्हा पुढच्या सगळ्या गोष्टी आपोआप सुरू होतात तेव्हा मी जेव्हा एनडी स्टुडिओमध्ये पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं तेव्हा मी घरच्या माऊलीचा आशीर्वाद घेतला होता आणि त्याच्यानंतर या माऊलीचा आशीर्वाद घेतला आणि माझा एक चित्रपट जो नितीन दादांनी स्वतः दिग्दर्शन केलं होतं ते म्हणजे जिलू अपनी फिल्मी ख्वाहिशे ज्याच्यामध्ये मला 33 म्हणजे 33 डिफरंट कॅरेक्टर्स जे आपल्या इंडियन सिनेमाचे आहेत त्यांना ट्रिब्यूट करण्याचा एकमेव प्लॅटफॉर्म पूर्ण संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीत एका माणसाने मला तो प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला ते म्हणजे नितीनदादा स्वतः। खरं तर आय डोंट नो म्हणजे माझ्यामध्ये विश्वास दाखवणारे खूप कमी आहेत अगदी हातावरती मोजणार आहे। त्याच्यापैकी एक बोट आहे ते म्हणजे नितीनदादा ते माझ्यावर अतोनात खूप विश्वास दाखवतात आणि हा रंगमंच हा मंच माझ्यासाठी उपलब्ध करून दिला। मला एवढंच म्हणायचं आहे की हे जे स्वतः इतके एक लेजेंडरी यु नो डिरेक्टर आहेत त्यांच्यामधलं मॅजिक किंवा त्यांच्यामधलं जो एक काय म्हणू शकतो आपण एक त्यांचा जो आशीर्वाद आहे किंवा आईंचा आशीर्वाद आहे किंवा ताई तिकडे बसलेले आहेत किंवा जी त्यांची संपूर्ण टीम आहे मला असं वाटतं एका कलाकाराचं कधीच ते श्रेय नसतं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क आणि मला असं वाटतं जेव्हा मी एक नवीन पुढची वाटचाल किंवा पुढचं पाऊल सुरुवात करायला जाते आहे तेव्हा मला असं वाटतं की प्रेक्षक वर्ग हा नशिबाने मिळतो आणि माझ्या नशिबाने म्हणजे मानसेनाईच्या नशिबाने मला खूप सुंदर आणि गोड प्रेक्षक वर्ग मिळालेला आहे। त्यामुळे खरंच थँक्यू सो मच तुम्ही सगळे माझ्यामध्ये एवढा विश्वास दाखवता हा प्रतिसाद हे प्रेम नेहमीच माझ्या पाठीशी असू दे। आय विल मेक यू प्राऊड वन डे। थँक्यू। मला काही दिवसापूर्वी नितीननी सांगितलं की असं काही मी तिथे शो करतोय मी आल का तर म्हटलं चा येऊ आणि खरंच सांगतो मी इथे गाडी गेटवर उभी राही पण मला कल्पना नव्हती की असं काही अद्भुत काहीतरी तिकडे होणार असेल आणि ते मी जसजसं बघत गेलो तसतसं मला जाणवत गेलं की 2 वर्षाची मरगळी तर निघूनच गेली पण असं वाटलं की अरे आयुष्य इतकं छान असतं इतकं अद्भुत असतं इतकं रंगीबेरंगी असतं विसरून गेले 2 वर्षात बंद होत होते परत चैतन्य नव चैतन्य आल्यासारखं वाटलं मला। लाईफ इज सो 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 गुड सो ब्युटिफुल हे इथे आल्यात जाणवलं। मला या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतल्याबद्दल नितीनजी तुमचे खूप 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 आभार परत आयुष्य परत दिल्यासारखे झालं। महेंद्रजी थोरवे माननीय आईसाहेब त्याचबरोबर ज्यांनी नुकतंच आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं ते एन चंद्रनजी मानसीजी शिल्पाताई समवेत उपस्थित असणारे दुधेसाहेब डॉक्टर प्रशांतजी शिरीषजी त्याचबरोबर कमलेशजी आणि तावरेजी
समोर उपस्थित असणारे सन्मान्य सर्व नगरसेवक, उपसभापती, स्थानिक पदाधिकारी, सन्मान्य पत्रकार, सन्मान्य सूत्रसंचालक, आणि खऱ्या अर्थानं आजचा हा महाउत्सव यशस्वी करण्यामध्ये नितीनदादांना सहकार्य करणारे सर्व सन्मान्य कलाकार, सर्व दिग्गज मान्यवर बंधू आणि भगिनी, नितीनदादा आमच्या सगळ्यांच्याच वतीने आणि रायगडवासियांच्या वतीने आपल्या मनापासूनचे आभार मानते. मी खरं तर मगाशी ज्या वेळेला आम्ही इथे आलो आणि एक ओपेरा थिएटरमध्ये बसल्यासारखीची एकंदर सगळ्यांनाच एक फिलिंग आली. या स्टुडिओच्या सुरुवातीच्या कालावधीपासून मी असेन आणि माझे वडील खासदार तटकरे साहेब असतील, आपला नक्कीच अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध राहिलेले आहेत. आणि ज्या वेळेला पहिलं पाऊल स्टुडिओमध्ये टाकलं आणि छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर आम्ही नतमस्तक झालो त्यावेळेला या स्टुडिओचा प्रवास आठवला. मी ज्या वेळेला कार्यक्रमाला आली त्याच वेळेला मला खरं तर अमोलजी तुमची आठवण आली आणि मी म्हटलं की मी नितीनदादांना विचारेन तुम्ही कसे नाही इथे, आणि त्या क्षणाला आपण इथे उपस्थित होतात. या स्टुडिओची ज्या वेळेला सुरुवात झाली किंवा ज्या वेळेला उद्घाटन झालं 2008 जोधा अकबरची शूटिंग आणि राजाशिव छत्रपतीची शूटिंग एकाच वेळेला सुरू होती आणि राजाशिव छत्रपती शूटची ज्या वेळेला आपण सुरुवात करत होता त्यावेळेला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहेब होते. मला अमोलजी आपला पहिला शॉट पण आठवतोय. मालिकेची सुरुवात ही महाराजांच्या याचा राज्याभिषेक सोहळ्यापासून होती आणि पहिली पायरी चढत असताना आपण पहिल्या म्हणजे शेवटच्या पायरीपर्यंत जाईपर्यंत प्रत्येक जे सेनापती आणि प्रत्येक ज्यांनी स्वराज्य स्थापन करण्यामध्ये महाराजांची साथ दिली त्यांचं प्रत्येकाचं स्मरण महाराजांना होत होतं असा पहिला तो शॉट होता. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यातून यशोगाथेत तुम्ही सामील झालेला आहात आणि साहेबांचे आणि तुमचे योगदान मी नेहमीच हृदयात ठेवू नये. आणि माझ्या कलाकारांच्या वतीने मी सांगतो की आम्हाला तुम्ही दिल्लीतच काय अमेरिकेत आणि लंडनमध्ये गेलं तरी आम्ही येऊ. येणार ना? जायचं की नाही? महाराष्ट्राची गाथा सगळीकडे पोचवायची की नाही? तर ताई, हे सगळे कलाकार या 2 ही वाट पाहत होती ही संधीची. आपण सगळ्यांनी आलात, मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो कारण ह्यांना त्या मायेची थाप. आणि नक्कीच पुढच्या वर्षी आमचा मानस आहे की हे जे 28, 29, 30, 1 ताई आपण ह्या महोत्सवाला दरवर्षी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून साजरं करत राहणार आहोत कारण हे सगळे जेवढे कलाकार आले त्यांना सामावून घेता घेता आमचे सगळेच लोक थकले कारण गेले 15-20 याची नियोजन होत आहे. अनेक क्युरेटर्स इथे काम करत आहेत पण माझ्या मते पुढच्या वर्षात तर आणखीन सगळ्यांची अपेक्षा आणि या सगळ्यांना इथे यायची संधी ते प्राप्त करतात. तर इंडी स्टुडिओच्या वतीने, शासनाच्या वतीने अमोल, दिल्लीतल्या काही लोकांना पण पुढच्या वर्षी आपण इथे बोलू, महाराष्ट्राची गाथा इथे मांडू आणि एक चांगला दिवस तुला नक्कीच आपण ह्या मराठी मायभूमीचा झेंडा आटकेपार करू. खूप धन्यवाद तुम्ही सगळे आलात तुमच्या वेळात वेळात टाईम करून. शिरीजी, खरंच तुमचं पण एफर्ट मानण्याजोगं आहे. कमलेशभाई, थँक्यू व्हेरी मच. दुधेसाहेब, तुम्ही प्रोटोकॉलनुसार बोलू शकत नाहीत किंवा इच्छित नाहीत पण मला तुमचे आशीर्वाद जे नेहमीच लागतात. चंद्राजी, जसं मी म्हटलं, भीष्मतुल्य असं व्यक्तिमत्व नेहमीच पाठीशी थाप देत असतात म्हणून मी कुठला पण नवीन आज शिल्पा जी सबसे पहले बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज इस अटायर में. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले महाउत्सव के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पे आए हो आप और कितना एंजॉय किया आपने, सारे आर्टवर्क भी देखे. बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है. आई एम सो ऑनर्ड के नितिन दादा ने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ आने का मौका मिला और स्पेशली इस महाउत्सव से के एनडी स्टूडियो के अंदर सब लोग जो बाहर से देखते हैं उनको आने का मौका मिल रहा है और इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, इतने खूबसूरत पेंटिंग्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी की सारी घर पे लेके जाऊँ. और मैंने काफ़ी पेंटिंग का वीडियो शूट किया है, मुझे करना है क्योंकि ये जो उत्सव यहाँ पे रखा हुआ है जैसे अभी इन्होंने बताया, इस चीज़ को बाहर भी जाना चाहिए क्योंकि बाहर अपने देश में थोड़ी आर्ट की वैल्यू कम है, ये हकीकत है.
बहुत कम है, और इसीलिए जो नितिन दादा ने ये जो महाउत्सव रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। सारे आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत, मतलब इतने अमेजिंग पेंटिंग्स हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो पेंटिंग्स हैं। शिल्पा जी, हमने देखा कि आप कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे, आपको आर्ट में कितना इंटरेस्ट है, क्या बचपन में कभी पेंटिंग या फिर ऐसा कुछ किया था? मैं बिल्कुल मेरे पापा मुझे कहते थे कि तुम पढ़ाई कम करती हो, जब भी देखो पेंटिंग करती रहती हो। मुझे बहुत शौक़ था, मुझे जाना था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं काफ़ी, मुझे खुशी हो रही है कि आर्ट से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं भी पेंटिंग्स करती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है, जो भी मिलता है, दीवारें रंग देती हूँ, जो भी जितना भी, तो जितनी चीज़ें, जैसे मैंने कर्जत में अभी घर लिया, फार्म हाउस लिया, तो वहाँ पर भी मैंने खुद अपने हाथ से काफ़ी चीज़ें की है, तो बहुत पता है मुझे कि कितनी मेहनत होती है, आर्टिस्ट को कितनी मेहनत लगती है, और उसका यहाँ पर उनको मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी महाराष्ट्र दिन भी आने वाला है जी, बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से सेलिब्रेशन करने वाली है? मैं सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक मजदूर मानती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि हम सब जिस मेहनत से काम करते हैं, जिस तरीके से, सभी उसी कैटेगरी में आते हैं, और सभी को वो एंजॉय करना चाहिए जो काम करते हैं। मैंने वही कहा ना, जैसे मेरे फार्म हाउस पे मैंने खुद अपने हाथ से बहुत सारा काम किया है, तो जो मेहनत करते हैं उनको पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत है, तो महाराष्ट्र दिन सबको मनाना चाहिए, और सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। वर्क फ्रंट में क्या हो रहा है, अगर कुछ शेयर करना चाहे उस बारे में, क्या हो रहा? अभी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मराठी फिल्में काफ़ी अच्छा कर रही है, तो क्या इन फ्यूचर ऐसा कोई स्कोप है मराठी फिल्मों के लिए? एक्चुअली एक कभी मौका नहीं मिला मुझे, बट अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू। मुझे लगता है ये जो महाउत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में एनडी स्टूडियो में हुआ, इसके लिए मैं जो बहुत सुप्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर है नितिन चंद्रकांत देसाई जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस प्रकार का आयोजन, ये जो भव्य आयोजन है, इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो सांस्कृतिक धरोहर है ये दुनिया के सामने आएगा, आपके मीडिया के माध्यम से ये आएगा, और इस प्रकार का आयोजन न सिर्फ ये संस्कृति का जो अभिरुचि है ये दर्शाता है, बल्कि इससे आगे बढ़ के इसकी वजह से जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, और उसकी वजह से जो महाराष्ट्र में आने वाले टूरिस्ट की वजह से जो रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार से नितिन जी ने इस पूरे समारोह का आयोजन किया है वो काबिले तारीफ। सर, इसके अलावा जो मराठी आर्ट फिल्में हैं और मराठी फिल्में हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, जैसे आपने भी बहुत सारी फिल्में की है शिवाजी महाराज पर, और अभी जो है एक फिल्म आई है शिवाजी महाराज पर, धर्मवीर नाम की भी एक फिल्म आई है, क्या कहना चाहेंगे मराठी सिनेमा दिन ब दिन इवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली मराठी सिनेमा दिन ब दिन इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि मराठी में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। सिर्फ एक बात पर हमें भी गौर देना चाहिए कि जब हम साउथ फिल्म्स और मराठी फिल्म्स इनकी जब कंपैरिजन करते हैं तो इसमें एक टेरिटरी शेयर होती है, बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के लिए ये टेरिटरी शेयर होती है, इसलिए भले ही आंकड़े जो होते हैं ये आंकड़े साउथ फिल्म्स के जितने बड़े नहीं दिखे, फिर भी मराठी फिल्म जिस बजट में अभी बन रही है उसमें काफ़ी बढ़त हुई है, जिस प्रकार से मराठी फिल्म बिजनेस कर रही है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त हो रही है, और महाराष्ट्र की सरकार का जो रवैया है मराठी फिल्म्स के प्रति, मराठी फिल्म्स को प्रोत्साहन देने के प्रति, उसकी वजह से डेफिनेटली मराठी फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सर। मानसी जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो बड़ा भव्य आयोजन किया गया है महोत्सव का, उसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है और कितना प्राउड फील हो रहा है कि इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है इतने सारे आर्टिस्ट के लिए? जी बहुत, इट्स नॉट जस्ट अ प्राउड मोमेंट, इट्स वेरी, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज आई एम फेस ऑफ इंडीज फिल्म वर्ल्ड एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड बिफोर कोविड हिट।
एंड ट्रस्ट मी द नेम इट्सेल्फ यू नो नितिन चंद्रकांत देसाई आई मीन ही इज़ सो बिग हिज विजनरी इज आई मीन आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग अबाउट हिम बट ट्रस्ट मी वॉट एवर ही हैज़ अरेंज्ड और वॉट एवर हिज विजन इज इट्स ऑलवेज प्रॉमिसिंग फॉर द न्यू कमर्स आई हैव ऑलवेज आई फील आई एम ऑलवेज अ न्यू कमर ऑन दिस स्टेज पर्टिकुलरली वैन आई कम एंड हिट इंडीज फिल्म वर्ल्ड But I feel if you have not yet seen Andy's Film World, I would personally assure you that you have to come here, buy a ticket and feel free to enjoy an entertainment wala agar aap entertainment mein believe karte ho. Kyunki popcorn, Pepsi leke har koi, you know, movie theater jata hai. But ek jo personalized jo ek experience hota hai, wo aapko Andy's Film World mein milega. Aur kis tarike se shooting ki jati hai, kya backdrop rehta hai, team kaise सेटअप होती है इस सारी इन चीज़ों का आप बहुत ही नज़दीकी से आप यू नो यू कैन हैव फन इन शिल्पा जी के साथ मिलके काफ़ी मतलब कीनली आप जो है सारी पेंटिंग्स को देख रहे थे या आर्टवर्क में कितना इंटरेस्ट है आपको क्या बचपन की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जब पेंटिंग बनाई हो आपने यार ऐसा कुछ हमारी ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहेंगे I have a joke in my mind whenever jokingly I tell my parents because my father is a scientist. So I keep on jokingly tell him like, you know, ki aapka artwork to yahi hai sabse pehle because, you know, I'm like a mixture of every artist which is present on earth right now. Kyunki main, jo maine film abhi ki, Nitin Dada ki jo, unhone jo direct ki thi, jilo apni filmi khwaishe. Purposely I said this joke is because the movie which he offered me, usme maine, I have given tribute to 33 different characters and in which I am my own hero and own heroine. So मैंने कंगना मैम को भी ट्रिब्यूट किया है मैंने करीना जी को भी नहीं छोड़ा है मैंने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी यू नो आई हैव गिवन ट्रिब्यूट इंक्लूडिंग असरानी जी एंड इफ यू कैन सी द कटआउट्स यू नो राउंड अबाउट ऑल द इंडीज फिल्म वर्ल्ड सो फ्रैंकली सेइंग इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड मीटिंग शिल्पा वॉज ट्रस्ट मी इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज आई हैव सीन हर वर्क शी इज अ प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल थैंक यू अरे पाण्याची बाटली आणि नमस्कार चला रोल ओके सर सबसे पहले जिस तरह का रिस्पांस मिला है आज जब उद्घाटन के टाइम पे इस तरह का रिस्पांस मिला है कितना प्राउड फील हो रहा है सर इतने सारे आर्टिस्ट थे और इतने सारे मान्यवर भी आए थे यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के महाउत्सव में ऐसा ही उत्सव का जो ओपनिंग की बम्पर लगी है तो पिक्चर तो हाउसफुल जाएगा तो किसी भी कलाकार को जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं एंड देन इतने लोग पहले ही शुरुआत में मुहूर्त के वक्त ही आ जाते हैं क्योंकि आज वीआईपीस थे तो हमने ओवरऑल लोगों को कार्यक्रम 2 बजे पे बात रखे लेकिन जिस तरह से रिस्पांस मिला है मुझे पता है कि महाराष्ट्र उसके ऊपर महाअभिमान करेगा और ये महाराष्ट्र पूरी ताकत के साथ ये 4 दिनों में 28, 29, 30 और 1 मई को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे उस वक्त यहाँ पर उपस्थित करके वही एक बड़ा बड़ा ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा तो महाउत्सव का महाजंगी स्वागत हो चुका है महान कलाकार महान संस्कृति का यहाँ पे सामने सबको रखा गया है महास्वाद भी यहाँ पे है और उसी तरह से हम लोग ने जितनी भी महाराष्ट्र की कला संस्कृति ग्रेड क्रीड़ा हो या सिनेमा हो या सबका यहाँ पे जो जागर किया है आपके सामने था आपने देखा है और किस तरह से शुरुआत है तो पिक्चर आगे जाके क्या होगा सर इसके अलावा जो आगे जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर क्या क्या होने वाला है ये 3 दिनों में अभी जैसे ही ये उद्घाटन सोलह ख़त्म होता है तो यहाँ पे इस बड़े मंच पे बहुत सारे लोग आके अपने कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे और शाम को जो महाराष्ट्र की लावणी जो सबको पसंद है वो यहाँ पे मानसी नाइक से लेके बहुत दिग्गज डांसर यहाँ पे आके करेंगे उसके बाद कल जो है यहाँ पे म्यूज़िकल एक इंस्ट्रूमेंटल शो है जिसमें बॉलीवुड खजाना जिसका नाम है वो खजाना ही आपके सामने यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा और दोपहर के 17 में यहाँ पे बिजनेस टॉक्स है जो जो सक्सेसफुल महाराष्ट्र ने जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान काम किया है वो यहाँ पे आके बात करने वाले 30 तारीख को तो लता दीदी रमेश देव जी और दादा साहेब फाल्के को हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे और उसी श्रद्धांजलि के दौरान एक बहुत बड़ा मेगा शो यहाँ पे हो रहा है जिसमें
जो सिनेमा है जो दादा साहब फाल्के जी ने चालू किया और 110 साल का उसका प्रवास है और आज की पीढ़ी क्या चाहती है और सिनेमा आगे जाके क्या होगा, इसका बहुत लुभावना ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और उसी तरह से 1 तारीख को जो महाराष्ट्र दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है महाराष्ट्र के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। यहाँ पे 5000 बच्चे आके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक क्यूबिक क्यू से एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं और उस पोर्ट्रेट में आप देखेंगे कि वहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा होगी। यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो लाइव शिवाजी महाराज के बारे में पोर्ट्रेट करेंगे और एक महाराष्ट्र गीत लोगों के सामने लाएंगे। तो बहुत ही खचाखच 4 दिन का ये कार्यक्रम, नंदेश उमप का एक बहुत बहारदार कार्यक्रम जो माय मराठी है वो भी यहाँ पे होगा। और उसी के साथ जब सांगता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत विशालकाय ऐसा एक शो यहाँ पे है जिसमें घोड़े है, पालकी है, बैल है, 160 कलाकार है, जो एक बहुत बड़ा महानाट्य होगा जिससे ओपनिंग ऐसी है और सांगता वैसी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उसको वहाँ पे रखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, नासिक, पूना, कोल्हापुर, न्यू बॉम्बे और मुंबई के लोगों के लिए ऐसी परवणी है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेंच लोग भी यहाँ पे विजिट करने वाले हैं कि महाराष्ट्र को समझना चाहते थे, तो जब उनको दिखा आपके माध्यम से ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र दिल्ली तक ही नहीं पूरे विदेश तक पहुँचे और ये कलम परम्परा चालू रहे। आपने जैसे देखा कि आज की जो मंत्री महोदय थी उन्होंने ये कहा है कि ये कार्यक्रम और भी बढ़ता जाएगा, इसमें शासन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी अपनी ताकत लगाएगी और उसी तरह से ये महोत्सव को हम लोग हर साल 28, 29, 30, 1 आपको भी आना है और इनको भी लाना है और एक महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे, महाउत्सव यहाँ पर होने जा रहा है, नितिन देसाई साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो आर्ट के लिए स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है मैं नितिन देसाई का पहला अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े कलाकार हुए जिन्होंने अपना नाम विश्व स्तर पर रोशन किया, तो इनकी कलाकृति लोगों के सामने आने की आवश्यकता थी। और जो होनहार कलाकार महाराष्ट्र के नवोदित है उनको भी इस महामहोत्सव से प्रेरणा मिलने वाली है, तो मुझे लगता है उनकी प्रेरणा के लिए और जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य कला क्षेत्र में किया उनके प्रति आदरभाव व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही बड़ा महोत्सव है। मैं राज्य का प्रतिपक्ष का नेता करके इस महोत्सव को कैसी चालना मिले इसका जरूर प्रयास करूँगा। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और मैं राज्य सरकार को इसको ताकत दे, राजाश्रय दे, इसके लिए मैं सरकार को सूचना करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव डाल के मदद करने को हम लोग राजी करेंगे। थैंक यू सर।